लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। डेप्यूटी मेयर हैं मियां तारिक, जिनके घर से बिजली चोरी पकड़ी गई है। इस्लामिया पार्क सब डिवीजन की जानिब से कार्रवाई की गई है। इसी से मुतालिक बात करेंगे, शाहिद सप्रा हमारे साथ मौजूद है। शाहिद सप्रा बताएगा लेस्को इस्लामिया पार्क सब डिवीजन की इस कार्रवाई से मुतालिक क्या अपडेट्स आपके पास। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के इस्लामिया पार्क सब डिवीजन की जानिब से कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में डिप्टी मेयर मियां तारिक के घर में बिजली चोरी पकड़ी गई है। और ये टेक्निकल बुनियादों पर बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को जराए ने बताया है कि मियां तारिक ने अपने नाम का कनेक्शन जो है वो फिरोजपुर रोड पर जो LOS मंसूबा है, यहाँ पर उनकी दुकान थी और उस पर मंजूर करवाया था। ताहम जो वो दुकान डिमोलिश हुई और उसको गैर कानूनी तौर पर वो कमर्शियल मीटर जो है उन्होंने अपने घर पर नष्ट किया और एक साल तक मुसलसल 0 यूनिट जो है वो इन मुलाजमीन की बिली भगत से उनको चार्ज किए जा रहे थे, जो कि चोरी के जुमरे में आते हैं। तो छापे के दौरान जब ये मीटर पकड़ा गया है तो SDO की जाने से 75,000 रुपए जो है बिल उनको चार्ज किया गया है। दूसरी जानब जो SDO इस्लामिया पार्क सब डिवीजन है नवीद शाहनवाज, जब उनसे मौकफ लेने की कोशिश की गई है तो उनकी जानब से कोई वाजे मौकफ सामने नहीं आया। तहम उनका यह कहना है कि यह वाकया जरूर हुआ है, तहम उसकी तहकीकत की जा रही है। एक तरफ तहकीकत की जा रही है लेकिन दूसरी तरफ लेस्को की जाने से बिल भी भिजवाया जा चुका है। कवानीन के मुताबिक किसी भी तारीख को जब बिल चार्ज किया जाता है तो उससे कबल उसकी तहकीकत की जाती है। यहाँ पे तहकीकत का अमल इसलिए इल्तवा का शिकार होता जा रहा है क्योंकि सियासी असर रसूख है और उस पर SDO जो है और दीगर जो अफसरान है वो वहाँ पे बेबस नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सिर्फ आपका।